हेलो दोस्तों, न्यू चैनल। जाकिर नायक की एक पुरानी वीडियो मुझे मिली जिसमें वो एक्सेप्ट करते हैं एक सिख के द्वारा पूछे गए सवाल पे। बीच में वो एक लाइन बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और उसमें उनके और मेरे विचार पहली बार आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि उनके मेरे विचार एक हैं। और पूरे मतलब मैक्सिमम बहुत लोग ये मानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान एक्सेप्ट करने से डरता है या फिर वो चाहता ही नहीं कि ये एक्सेप्ट करे, लेकिन सच्चाई यही है। नी कश्मीर सिंह जी हाँ, गुरुद्वारा माइतान हेड ग्रंथी, आपके सवाल नॉलेज बहुत अच्छा है। मेरा एक आपके धर्म के बारे में परमंती है कि आपका धर्म हमारा धर्म शब्द का पुजारी है। आप कुरान को, हम गुरु ग्रंथ साहब को शब्द को मानते हैं, और आपके ही धर्म में कुछ एक मूर्ति पूजा का भी जो विधान है नहीं है, परंतु कुछ एक आदमी जो मूर्ति नहीं बनाई कि उसकी कब्र के रूप में जो है मजार के रूप में उसको मान्यता दे दी। आप मूर्ति खड़ी पूज लो और पड़ी पूज लो, तो एक बात ही है। क्या ये जो है धर्म के उल्ट नहीं है, इस बारे आप रोशनी पाई। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, हमें सवाल को दोहराएंगे, अगर सवाल को समझने में कुछ गलती होगी तो आप सीधा कर लेना। भाई साहब ने पूछा कि बुद्ध परस्य गलत है, उनके मजहब में भी गलत है, हमारे मजहब में भी गलत है। आप बुद्ध को उल्टा पूजो या सीधा पूजो, तो मजहब को पूजना सही है क्या नहीं, वो आपका सवाल था। मजार पे जाना सही है क्या गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मजार बनाओ। यहां तक के अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई कब्र पक्की है तो उसे जमीन के लेवल पे लेके आना चाहिए। मजार को पूजना गलत है, हराम है। मैं जानता हूं कि कई कई मुसलमान अनजाने में इल्म की कमजोरी के वजह से वो मजार पे जाते हैं, और मेरा ये कहना है कि बहुत सा कल्चर जो है, ये कल्चर हमारे जिंदगी में आ जाता है, और हमारे बाप दादा पहले कहीं ना कहीं हिंदू तो होंगे, तो हमारे बाप दादा जाते थे मंदिर, तो अभी जा रहे हैं मजार में, आस्ते आस्ते तब्दीली आ रही। तो मेरी दरखास्त है कि अगर आप इस्लाम इन भाइयों से जो मजार जाते हैं, मुसलमान भाइयों, मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कब्र पे जाओ, अगर आप कब्र पे जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आप कभी ना कभी मरने वाले हैं, तो अल्लाह पे और यकीन करेंगे, आखिरत पे यकीन होगा। तो कब्र पे जाके उनके लिए दुआ करना सही है, जो आदमी मर चुका है उनके लिए दुआ करो, उनको दुआ नहीं कर सकते। यू कैन प्रे फॉर देम नॉट टू देम, मतलब उनके लिए दुआ कर सकते, उनको दुआ नहीं कर सकते। आप समझ रहे, वो बेचारा शख्स मर गया है, अच्छा शख्स था, उसके लिए दुआ कर सकते, अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस दे, उन्हें नियामत दे, उन्हें माफ करे, वह तक ठीक है। लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयते हैं जिसमें लिखा है शिफा। शिफा मतलब सिफारिश, वसीला, हराम है। दो आयत में लिखा हुआ है सिर्फ उनको इजाजत है जो अल्लाह ताला आखिरत में उनको इजाजत देंगे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत में। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है, हम उन्हें इज्जत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, उनकी इबादत नहीं करते। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत लोग ये एग्री कर रहे होंगे, अगर कुरान को वाकई में मानते हैं। बहुत लोग इसलिए भी एग्री कर रहे होंगे कि हो सकता है जाकिर नायक के वर्ड्स को वो लोग सीरियसली लें और माने कि हाँ वो जो कह रहे हैं सही है। मतलब ये निकलता है कि मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे,
ये सब जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ कि जब मुगल आए तो कन्वर्जन हुआ था, 95% से ज़्यादा मुसलमान भारत के हिंदू थे। लेकिन अगर डिसएग्री कर रहे होंगे तो एज यूजुअल डिसएग्री करेंगे ही करेंगे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, या तो जाकिर नायक फ्रॉड फैला रहे हैं आपकी नज़र में, या तो आपकी जो किताब है कुरान वो गलत बात बोल रही है, आप लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपको अपनी मेंटालिटी लेके चलनी है तो आप किताब को क्यों मानते हो। और कंक्लूड करते हुए वीडियो को बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, हिस्ट्री उठा के देख लो, यहाँ इस देश में, इस देश की धरती में मुसलमान नहीं थे कभी, थोड़े हार्श वर्ड हैं, हिस्ट्री से नहीं थे। बीच में जब मुग़लों ने इन्वेड किया तो उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्सफुली कन्वर्ट किया कुछ लोगों को तलवार की धार पे, कुछ महिलाओं के साथ संबंध बना के जब जो बच्चे पैदा हुए उन्हें नाम दिया, तो ऐसे करते करते बहुत सारा कन्वर्जन हुआ। इसलिए उसके बावजूद जितने भी बचे हैं मुसलमान वो कन्वर्जन के शिकार हैं और उस बात का रिजल्ट हैं कि आज जो मुसलमान हैं। मुझे भी पता है बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनके बीच में कुछ पुश्तें थीं मुसलमान, बाद में वो वापस से हिंदू बन गए, और सब नॉर्मल है आज की डेट में, तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, उन्होंने बाद में अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन जो अभी बचे हुए हैं उन्होंने अपने आप को वापस से अपने धर्म में वापस ना जाना स्वीकार किया, या तो एक्सेप्टेंस ख़त्म हो गई थी, उनको ये लग गया था कि हम पैदाशी मुसलमान हैं, उनको कभी बताया ही नहीं गया था कि आपके पूर्वज हिंदू थे। और मुझे बहुत हद तक ये लगता है कि ये गलतफहमी बहुत लोगों के मन में इसलिए है क्योंकि उन्हें कभी सच्चाई बताई नहीं जाती। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फिर से कोई कॉन्ट्रोडिक्शन हो आप जाकिर नायक की बात से अग्री ना करें, करें आपकी मर्ज़ी, मेरी बात से अग्री करें ना करें आपकी मर्ज़ी, हिस्ट्री को कोई बदल नहीं सकता, पास्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, अपने आप से भी सवाल पूछना, अपने बड़ों से सवाल पूछना कभी कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और सब उज़्बेकिस्तान से तो नहीं आए थे ना 25 करोड़ के 25 करोड़, आज जितने भी हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ तो हुआ होगा ये जो बीच में 700-800 साल में।